शार्क टैंक इंडिया के जज और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने बॉलीवुड फिल्मों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें सलमान खान के तेरे नाम और शाहरुख खान के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और डर जैसी फिल्मों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। अनुपम ने कहा कि तेरे नाम में एक लड़का लड़की के पीछे किस कदर पागल हो जाता है। उस फिल्म से समाज को टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ नहीं मिला था। अनुपम के मुताबिक बॉलीवुड फिल्मों में शादियों को ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक इवेंट की तरह दिखाया जाता है, जो शादी विवाह के असली वैल्यूज़ को नहीं दिखा पाते। अनुपम मित्तल हाल ही में अनुपमा चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हुए। वहाँ उनसे बॉलीवुड फिल्म मेकिंग की कॉन्सेप्ट और रोमांटिक फिल्मों के बारे में अपने विचार रखने को कहा गया। जवाब में अनुपम ने कहा, मैं इन फिल्मों की सराहना नहीं करता। आप सूरज बड़जात्या और करण जौहर की फिल्में देखते हैं, उसमें शादी विवाह के एक इवेंट के नाम पर सिमट के रह जाता है। उन फिल्मों को देखने के बाद ऐसा फील होता है कि फोकस शादी से जुड़े रीति रिवाजों पर नहीं बल्कि शादी में होने वाली तड़क भड़क पर है। ऐसा लगता है कि लोग शादी इसलिए नहीं करते कि सच में एक रिश्ते को बांधना है, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि इसे सेरेमनी में हिस्सा लेने का मौका मिले। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।